यहाँ पे देखें जी, खूब टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, पुराने मॉडल की कैमरियाँ। ये देखें जी गाड़ियों के रेट लगे हुए हैं। कम्मा अलवाहा 2018 मॉडल टोयोटा करोला। ये देखे गाड़ियों का रेट लगे हैं। ये देखें जी, नई नई गाड़ियाँ एक्सीडेंट है। ये मेरे ख्याल है कैश के हिसाब से सेल होती हैं, या क्या इनका क्या निज़ाम है। देखें इनके रेट बहुत कम होंगे। ये देखें चाइनीज़ गाड़ियाँ, है ना ममनो, आधा पियो खलास। ये देखें सब गाड़ी के ऊपर टैग लगे हुए हैं ना, मजाद खलास वाला बाकी है ना। हाँ ये देखें जी, ये शे वाले ट्रावेस, ये है जी 2020 मॉडल, और ये भी बोली के लिए गाड़ी खड़ी हुई है। ये भी देखे सुजुकी बैलिनो, सुजुकी डिज़ायर 2020 मॉडल, ये भी बोली के लिए। ये सब एक्सीडेंट गाड़ियाँ, ये चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं। ये देख लें, ये चेसलर का लगा हुआ है रेट, ये कैमरी है, ये इन्फिनिटी, ये सब गाड़ियाँ जो है ना। ये देखें यहाँ पे भी ये कैमरी, चाइनीज़ गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई यार, पता नहीं क्या बात है। ये है जी शानजान ईडो 2023 मॉडल, एक्सीडेंट होके आ गया जी इधर। ये देख लें नीचे से एक्सीडेंट है, ये कैमरी। अच्छा एक बात आपको बताऊँ, यहाँ पे वो लोग कामयाब हैं जिन लोगों को इन गाड़ियों का पता है। ये देखें टोयोटा कैमरी 2023 मॉडल, ये हावेल है, ये 2022 मॉडल है, और ये टोयोटा करोला है 2021 मॉडल, ये भी बोली के लिए आएगी। ये देख लें, अब ये गाड़ियाँ जो है ना, पहले आके चेक करनी पड़ती हैं, चेक करिए। देख लें लोग आगे इंस्पेक्शन तो कर ही रहे हैं ना। ये देख लें टोयोटा करोला, बिल्कुल नई गाड़ी, और इसमें से बिल्कुल नई जैसी खुशबू भी आ रही है, लेकिन एक्सीडेंट है। इसका कितना एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट लग के फिर पता चलता है ना कि इस गाड़ी का रेट कितना है। जो बोली में रेट लग गया बस खलास, वही आपको देना है। ये MG की MG 2020, ये 20 मॉडल है, ये चेक कर ले, बिल्कुल नई गाड़ी, और इसका रेट कितना लगेगा, ये 30,000 किलोमीटर से चली हुई ये गाड़ी, आप चेक कर सकते हैं। ये MG की बिल्कुल नई, MG 6 है मेरे ख्याल में, MG 6 2.0। ये है जी होंडाई क्रीटा 2023 मॉडल, ये देखें 23 मॉडल, एक्सीडेंट होके आ गई, चेक है होंडाई क्रीटा 2023 मॉडल, ये भी बोली के लिए आई हुई है। और ये मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ, अंदर से देख लें गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बस थोड़ी सी एक्सीडेंट होती है, वो आगे आ जाती है, फिर इनके जो है ना रेट लगते हैं। ये इतनी ज़्यादा गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, बस इसका फ्रंट बम्पर लगेगा, और कुछ मेरा ख्याल है रेडिएटर की ग्रिल है, एसी का रेडिएटर, आई थिंक इस पे 2000 रियाल का ख़र्चा है, तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें। आगे चलते हैं, ये वही मैंने आपको बताया मज़दा 6, ये किया रियो है, हाँ ये जी किया, देख लें इसका क्या रेट लगेगा। ये भी भाई जान एक्सीडेंट है नहीं, किया रियो, सॉरी किया पीगास्ट। ये देख, ये टोयोटा यारिस 2023 मॉडल है ये, और ये है जी
1.3 ये देख लें, इसका एयर बैग आगे से खुले में इसका खसारा ज़्यादा है क्योंकि इसका एयर बैग भी खुल गया। شاسي دي شويه صدر في في شاسي في طقه ايوه طقه بسيطه بس مرتاح على ارحم شاسي ما عندي بس بلا كثير تحت بلا يلا تشيك कर लें गाड़ी Yaris Y Plus 2023 मॉडल 7609 ये चेक कर लें Yaris Y Plus और इसका एयरबैग ओपन है मैं आपको चेक करवाता हूँ ये चेक करने एयर बैग इसके खुले हुए हैं Yaris Y Plus 2023 मॉडल ऊपर से भी चेक करवा दे दो ला ला शुक्र ला ला शुक्र ये गाड़ी अंदर से मैं आपको चेक करवा दूँ टोयोटा Yaris Y Plus ये बहुत सस्ती जाएगी और ठीक करवा के इस गाड़ी का रेट डबल ट्रिपल हो जाएगा इस गाड़ी का चेसिस भी लगा हुआ है बहुत कम चली है गाड़ी देख ले इस गाड़ी के अंदर से मैं आपको चाहिए शीशा ऊपर से डैमेज है टोयोटा Yaris 2023 मॉडल ये आप चेक कर लें 23 मॉडल है इसके एयर बैग खुले हुए हैं ये Yaris का मोनोग्राम और ये इसके एयर बैग खुल गए बाकी आप देख लें कापियाँ इसकी कापियाँ किताबें बीच में पड़ी हुई हैं बाकी गाड़ी साफ ही है अब ये कितने का लगेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है इसका रेट उस हिसाब से जो है वो कम मैं आपको आगे बताता हूँ ये आगे है जी Hyundai Elantra Hyundai Elantra ये भी एक्सीडेंट है ये 2022 मॉडल है चेक करने बिल के 41,000 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है और ये एक्सीडेंट कितनी है अब ये देखा जाएगा एक्सीडेंट नहीं है ये गाड़ी गाड़ी ठीक है अब ये अभी देखें कितने की लगेगी गाड़ी कैमरी वगैरह ये तो ठीक है 2022 मॉडल ये भी सेल होने के लिए आएंगे हाइब्रिड है इसका ओवरऑल जो रेट है ना ऊपर भी गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं एक तो ऊपर चढ़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है सीढ़ी से ऊपर चढ़ के देखना पड़ता है चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं ये सब कुछ मतलब कि इसके लिए ना एक्सपर्ट होना ज़रूरी है अगर आपको गाड़ी यहाँ लेनी है तो एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ नई नई गाड़ियाँ आती हैं और उनको फिर उसको कहे खान साहब भी ले रहे हैं इसके एयर बैग भी खुले हुए हैं एयर बैग खुले सारे और नीचे से शास भी लगा हुआ थोड़ा है ये कितने तक होनी चाहिए खान साहब क्यों खान साहब कितने तक होनी चाहिए 20-25 तक हाँ 25 तक हो जाए तो ठीक है क्योंकि उस पर 12-13 हज़ार का खर्चा भी है ना इस पर 8-9 हज़ार रियाल ऊपर खर्चा है ज़्यादा खर्चा है इस पर एयर बैग मफ्तू शास सदम अयो वरा कोई बस ये हम देख लें बाकी गाड़ी बिल्कुल सही है ऊपर ऊपर कौन सी गाड़ी है आपको टोयोटा क्रोला है ये एमजी की गाड़ी इतना एमजी के आगे से लगी हुई है देखें आगे से लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है ये गाड़ी भी मुमकिन 20 तक जाएगी इस पर काम ज़्यादा ये इस गाड़ी का रेट थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि नीचे
इसका जो शास है वो जो फ्रेम है वो डैमेज नहीं है, इस पर 7-8 हज़ार रियाल का खर्चा है इस गाड़ी पे। बाकी जो है ये टोयोटा करोला है, टोयोटा करोला है, इस पर भी मेरा ख्याल में खर्चा तो है। इसके इंजन की क्या सिचुएशन है अल्लाह बेहतर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं और गाड़ियों में, मेरे साथ ही रहिएगा।